हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, ये 2 दिन की वीडियो है सहरी और इफ्तारी की। तो ये फोर्थ सहरी थी और इस दिन मैंने जो कबाब बनाकर फ्रीज़ किए हुए थे वही निकाल लिए थे अपने और हस्बैंड के लिए, और साथ में मैंने रायता बनाया था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कबाब के साथ। और यहाँ पर मैंने एग के अंदर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड की है और साथ ही मैं चाय भी रख दूँगी। असल में रमज़ान इतनी तेज़ी से गुजरता जा रहा है कि टाइम ही नहीं मिलता मुझे एडिटिंग करने का, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं इकट्ठे 2 दिन की वीडियो जो है उसको मैं एडिट कर कर और वो लगा देती हूँ। इस तरह से मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा क्योंकि डेली लगाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर बस मैं अपने और हस्बैंड के लिए पराठा बना रही थी। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया था। यहाँ पर जिस एग में मैंने कबाब डिप करके फ्राई किए थे वो थोड़ा सा बच गया था, तो वो भी मैंने साथ ही में बना लिया था। अब ये जो रायता की क्यूब थी ये इसमें मेल्ट हो चुकी थी, तो मैंने इसमें अनियन कट करके ऐड कर दिया था और साथ ही मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करें तो उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पर हमारी जो सहरी थी वो रेडी थी और अब आ जाते हैं फोर्थ इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी यहाँ पर मैंने। और यहाँ पर मैंने जो अनियन और पोटैटोज़ हैं उनको पहले कट करके रख लिया था। यहाँ पर मैंने इसमें धनिया और पालक ऐड की है और साथ में मैंने बेसन ऐड कर दिया है और ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी। ये सिर्फ मैंने एक ही ऐड की थी बच्चों की वजह से, ताकि बच्चे भी इजीली खा सकें। और इफ्तारी वैसे भी पकौड़ों के बगैर अधूरी लगती है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर सूखी मेथी ऐड की है, सॉल्ट ऐड किया है, रेड चिली पाउडर ऐड किया है अपने हिसाब से, अंदाजे से ही ऐड किया था मैंने। और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही बनते हैं पकोड़े, मतलब नमक मिर्च बिल्कुल पूरा होता है, ना कम होता है और ना ही ज़्यादा। यहाँ पर मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है और थोड़ा सा इसमें योगर्ट ऐड किया है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने ये बनाकर रख लिया था। और यहाँ पर ये फ्रूट्स जो थे वो कट थे, तो मैं इसके अंदर टैंग का जो मिक्सचर है वो बना के ऐड करूँगी। इसमें मैंने शुगर ली है, टैंग लिया है और साथ में मैंने चाट मसाला लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बस टैंग थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। और ये ऐड करके मैं इसके ऊपर से भी जो चाट मसाला है वो भी स्प्रिंकल कर दूँगी। बहुत मज़े की चाट बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ईजी भी है। और आप आ जाते हैं आलू के फ्राइज़ बना रही थी बल्कि मैं यहाँ पर, तो बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी ताकि वो भी खुशी खुशी खा लें इजीली, तो इसलिए बस आगे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। यहाँ पर जो इफ्तारी थी हमारी रेडी थी, यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए नगेट्स और फ्राइज़ तैयार की थी, अपने लिए पकौड़े रोल्स और साथ में चना चाट थी और फ्रूट चाट थी। और ये हमारे नेबर्स के घर से इफ्तारी आई थी, समोसे थे और फुल्की चाट थी, दही बड़े जो भी आप कह लें, तो ये भी मैंने साथ ही में रख दी थी। तो बस यहाँ पर हमारी जो इफ्तारी थी वो रेडी थी और साथ में जो नेबर्स थे उन्होंने जली भी ये बना कर दी थी। थैंक यू नाजिया भाभी। चलें जी, यहाँ पर अब फिफ्थ सहरी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। और मैं भिंडी लेकर आई थी बनाने के लिए क्योंकि ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आलियान को ये बहुत पसंद है, अफ़ान भी बड़े शौक से खाता है, तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ, इस तरह से मुझे दिन में बच्चों को भी खाना खिलाने में टेंशन नहीं होगी। तो ये सहरी से तकरीबन 2 घंटे पहले का टाइम था, मैं 2 बजे ही उठ गई थी और मैंने जो भिंडी है उसको कट कर लिया था। पहले इसको वॉश करके ड्राई करना है और बाद में मैंने इसको कट किया था ताकि इसमें जो लेस ना बने। और यहाँ पर मैंने इसको फ्राई कर लिया था ऑयल में पहले, इससे भी इसमें भिंडी जो है वो लेसदार नहीं बनती और बहुत मज़े की बनती है। आज मैं थोड़ी डिफरेंट रेसिपी ट्राई कर रही थी, इस तरह से मेरी मम्मी बनाती हैं।
यहाँ पर मैंने अनियन जो है वो फ्राई करने के लिए ऐड कर दिए हैं इसमें ऑयल में, और जब इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें एक गार्लिक की क्यूब ऐड कर दूंगी, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ले लीजिएगा। ये चिकन की वजह से इसमें ऐड किया है क्योंकि मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी, और यहाँ पर जब इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो गई थी गार्लिक की तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी थी। यहाँ पर साथ ही मैंने इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर दिया था ताकि चिकन जो है वो उसकी बोटी अंदर से फीकी ना रहे, और इसको इतनी देर तक इसकी भुनाई करनी है कि जो चिकन है थोड़ी सी गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगी और कलर अपना चेंज कर लेगी। तो इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं, यहाँ पर मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर सॉफ्ट होने तक बस मैं इसको कुक करूँगी और साथ साथ इसमें मसाले भी ऐड करती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है, सॉल्ट में पहले ऐड कर चुकी थी तो इसलिए वो अब नहीं ऐड करूँगी, और साथ में मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड की हैं चॉप करके, साथ साथ में चम्मच की हेल्प से ही जो टमाटर थे उनको मैश कर रही थी। यहाँ पर मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं थोड़े से बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं तो मैंने इसलिए कम ही ऐड किए हैं ताकि बच्चे भी खा लें इजीली। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है। तो देखिए यहाँ पर इसकी भुनाई अच्छे से हो चुकी है, जब भी इस तरह की हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर जो भिंडी फ्राई करके रखी हुई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं इसके अंदर भिंडी ऐड कर रही हूँ। और बस ये ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से जो मिक्स कर लूँगी, बस इसको 5 मिनट के लिए दम पर रखना है और ये तैयार है। बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चिकन को इस तरह से पहले फ्राई करेंगे तो इतना मज़े का टेस्ट होगा चिकन का, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी एक दफ़ा, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी मज़े की थी। और मेरे बच्चों ने बहुत शौक से खाई थी, वो ओकरा कहते हैं भिंडी को, तो इसलिए आलियान की तो हर दूसरे दिन फरमाइश होती है कि आई वॉन्ट टू ईट ओकरा, और मुझे भी भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद इसी वजह से मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी बचपन में जब कभी अम्मी पूछती थी कि क्या बनाऊँ तो मुझे होता था भिंडी बना लें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ सहरी से पहले सालन जो था वो तैयार था, तो ये रहा इसका फाइनल लुक। और इसके बाद मैंने अपने और हस्बैंड के लिए पराठे बनाए थे और फिर हम लोगों ने सहरी की और साथ में मैंने चाय भी बना ली थी। और यहाँ पर ये सहरी हमारी रेडी थी, तो बस बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया था इस दिन सहरी करके। तो चलें अब आ जाते हैं 5th डे की इफ्तारी की तरफ, और उस दिन मैंने बनाई थी चाउमीन क्योंकि हस्बैंड को जो पास्ता है वो बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा डिफरेंट ट्राई करूँ, तो आज मैं चाउमीन बनाती हूँ। बहुत मज़े का बना था, और इसके लिए मैंने जो चिकन का एक ब्रेस्ट पीस है उसको मैंने स्ट्रिप्स में इस तरह से कट कर लिया था, इसको मैंने पहले ही वॉश कर लिया था क्योंकि ये फ्रोज़न होता है यहाँ पर। तो अब मैं इसको मैरिनेट कर लूँगी, बॉल में ऐड कर रही हूँ उसके लिए। इसकी मैरिनेशन मैंने तकरीबन आधा घंटे पहले ही करके रख ली थी। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, साथ में सोया सॉस ऐड किया है 1 टेबल स्पून, वोस्टरशायर सॉस ऐड किया है, ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने इसलिए ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है इसके अंदर, बस यही इसमें चीज़ें गई थी और मैंने इसको मिक्स करके रख लिया था। और यहाँ पर मैं कस्टर्ड बनाने का मेरा बहुत दिल कर रहा था तो मैंने अपने लिए कस्टर्ड बनाया था, तो इसलिए यहाँ पर मैं ये दूध के अंदर जो है कस्टर्ड मिक्स कर रही थी, और साथ में मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। पता नहीं क्यों मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था कि कुछ ना कुछ मीठा बनाऊं, हालांकि फ्रूट चाट बनती है लेकिन इस दिन मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई थी, थोड़ा डिफरेंट कुछ ट्राई करने को दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि कस्टर्ड बनाकर ट्राईफुल बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो मिल्क था वो बॉयल हो गया था, मैंने अपने हिसाब से जो इसमें शुगर ऐड कर दी थी, और अब मैं इसके अंदर ये जो मैंने बैटर बनाया था कस्टर्ड पाउडर वाला वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको मैंने मिल्क में ऐड करके ऐड किया था, आप चाहें तो पानी में ऐड करके भी ऐड कर सकते हैं।
और थिकनेस जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसकी। मुझे थोड़ा सा लिक्विड ही चाहिए था तो मैंने इतना कर लिया था। ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा थिक होगा। बस इसको मैंने साइड पर रख दिया था ठंडा होने के लिए, और उतनी देर में मैंने जो स्पेगेटी है उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने पानी में सॉल्ट ऐड किया है और ऑयल ऐड किया है, और साथ में मैंने स्पेगेटी ऐड कर दी है बॉईल करने के लिए। यहाँ पर अब चाउमीन के लिए सॉस रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने केचप लिया है 1 कप। उसके अंदर मैंने शुगर ऐड की है, ब्राउन शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में चिली फ्लेक्स और साथ में सोया सॉस, चिली सॉस, ये सब ऐड करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और साथ में मैंने 1 टेबल स्पून इसमें विनेगर भी ऐड किया था, 2 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने इसमें रेड चिली पाउडर और सॉल्ट भी ऐड किया है। ये सब चीज़ें मैंने अपने अंदाजे से ही ली थी और बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। हालांकि रोज़े में मुझे यही था कि कुछ कमियां ज़्यादा ना हो जाए स्पाइसेस में। खैर, यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया था और इसके अंदर अब मैं गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी जो मैंने क्यूब्स बना कर रखी होती हैं। साथ में मैंने जिंजर जो है उसको मैंने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया था, क्योंकि ये क्यूब्स जो है मेरे पास ख़त्म हो गई हैं और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि मैं बनाऊं, तो इसलिए मैं फ्रेश ही बना के डाल देती हूँ इस तरह से। तो बस इसको, इसकी रोस्ट स्मेल जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैंने इसके अंदर जो चिकन मैरिनेट करके रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और इसको इतनी देर तक कुक करना है कि अपना कलर चेंज कर दे, और इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है कि ये जो पानी है वो रिलीज़ ना करे, क्योंकि अगर इसको लो फ्लेम पे आप कुक करेंगे तो ज़्यादा देर कुक करना पड़ेगा और ये ड्राई हो जाएगी। तो बस यहाँ पर चिकन जो थी वो कुक हो चुकी थी अच्छे से, तो मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दी है। मैंने कैरेट ली है, साथ में मैंने कैप्सिकम ली है और साथ में थोड़ी सी बंद गोभी भी थी, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और यहाँ पर जो मैंने सॉस बनाकर रेडी की थी ये भी मैंने साथ ही ऐड कर दी है, ताकि ये साथ ही जो है कुक हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो सब्जियों में अच्छे से चला जाए। तो बस यहाँ पर इसको आपने हाई फ्लेम करके कुक करना है, क्योंकि ये काफ़ी लिक्विडी सा हो गया था, क्योंकि जो मैंने वेजिटेबल्स इसमें ऐड की थी ये मैंने फ्रोज़न ऐड की थी, तो इसलिए मैंने पहले ही कट करके फ्रीज़ कर ली थी ताकि रमज़ान में मेरे लिए ईजी हो जाए कुक करना, मुझे पहले चॉपिंग ना करनी पड़े इसलिए। तो बस वेजिटेबल्स डाल के मैंने इसको इतना कुक किया था कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो नूडल्स थे वो ऐड कर दिए थे, ये मैंने बॉईल करके रख लिए थे। और बॉईल करने के बाद जब इसको स्ट्रेन किया था मैंने, तो इसके अंदर ऊपर से मैंने ठंडा पानी ऐड किया था ताकि आपस में स्टिक ना करें। तो बस यहाँ पर ये रेडी थी। और अब आ जाते हैं जो मैंने कस्टर्ड बना कर रखा था उससे मैं ट्राइफल बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है और साथ में मैंने केक मंगवा लिए थे बाहर से ही हस्बैंड से, साथ में मैंने पक्की क्रीम ली है वो मैं कस्टर्ड के अंदर ऐड करूँगी। साथ में ही मैंने कॉकटेल लिया है। सबसे पहले मैं नीचे केक रखूँगी, बस रैंडम सा ही जैसे मेरा दिल करता है मैं उस तरह से इसको असेंबल कर लेती हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी करना चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये जो कॉकटेल था वो ऐड कर दिया था। इसी तरह से दूसरी लेयर भी मैं करके ऊपर से डेकोरेट कर दूंगी इसको अच्छे से, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं डेकोरेट। और यहाँ पर हमारी इफ्तारी रेडी थी और साथ में मैंने शरबत बना लिया था जामे शीरी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।